उज्जैन शहर के विकास कार्यों के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में उज्जैन विकास प्राधिकरण में बैठक संपन्न हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर विक्रम नगर रेलवे स्टेशन के समीप बनाने का निर्णय लिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में उज्जैन विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष में उज्जैन शहर के विकास से संबंधित विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, संभाग आयुक्त आनंद कुमार शर्मा, यूडीए सीईओ एसएस रावत, कार्यपालन यंत्री द्वय कैसी पाटीदार व घनश्याम शुक्ला आदि उपस्थित थे। बैठक में सबकी सहमति से ट्रांसपोर्ट नगर विक्रम नगर रेलवे स्टेशन के समीप उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा। उज्जैन शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धा हेतु मैदान विकसित किया जाएगा। खेल मैदान के लिए जिस तरह बेंगलोर में अकादमी है, उसी तरह उज्जैन में निर्मित करने के निर्देश दिए गए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन ने विकास प्राधिकरण के सीईओ को निर्देश दिए कि उज्जैन शहर में प्राधिकरण द्वारा जो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका लोकार्पण करवाने का समय निर्धारित किया जाए, ताकि निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन शहर को साइंस सिटी बनाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, ताकि पर्यटन के साथ साथ शोधार्थियों को शोध करने का भरपूर अवसर मिलेगा। डोंगला को धीरे धीरे और अधिक बड़े पैमाने पर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसरो के मुख्य अधिकारी को आमंत्रित करने का प्रयास भी किया जाएगा। साइंस सिटी बनाने के लिए उज्जैन शहर की यह सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की भस्म आरती में जन्म से मृत्यु तक का 2 घंटे में संपूर्ण जीवन का सारांश है, इसलिए कम समय की फिल्म का निर्माण कर दर्शनार्थियों के लिए प्रदर्शित की जाए, ताकि भस्म आरती का उद्देश्य आगंतुकों को मालूम हो सके। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पुरातत्व संग्रहालय को विकसित कर वाकणकरजी की मूर्ति स्थापित करवाई जाए। इसके अलावा सर्प उद्यान को भी विकसित कराया जाए। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही मल्टी पार्किंग बनाने के भी निर्देश यूडी के अधिकारियों को दिए।